कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज पूर्णमासी है, आज पूर्णिमा है, आज अनुराधा नक्षत्र चलेगा। आज 11:16 से पूर्णमासी स्टार्ट हुई है और कल 9:11 तक पूर्णमासी रहेगी। और मैं जो आपको छोटे छोटे उपाय दूंगी, ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। करना क्या है मैं ये आपको बताऊंगी, कैसे करना है सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। इस उपायों से आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में आकर रहेंगी। सो आपको करना क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी जी से ही स्टार्ट करते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का आगमन पीपल के वृक्ष में होता है। सो आपको करना क्या है, सुबह उठकर, जैसे अब आज तो पूरा दिन निकल गया, आज स्टार्ट हुई है पूर्णमासी, कल को सुबह उठकर आपको 9 से पहले आपको कुछ मीठा पीपल की जड़ में अर्पित करना है और साथ में ही जल अर्पित करना है। इससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और खुशी खुशी आपके पास आएंगी। उसके बाद आज आपको क्या करना है, पूर्णमासी के दिन आपको सत्यनारायण की कथा का पाठ करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप सुने, उसे लगा लें अपने, जहां भी आप काम कर रहे हैं या आप किचन में लगा लें, जहां आप पाठ पूजा कर रहे हैं बैठकर सुने, अपने मन ही मन उसे सोचें कि आप वो पाठ कर रहे हैं। आपको सत्यनारायण की कथा का पाठ जरूर आज के दिन करना चाहिए। उसके बाद आज के दिन हमें लक्ष्मी जी को मखाने की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए और हर पूर्णमासी को आपको खीर बनाकर, अच्छी सी मेवे वाली खीर बनाकर लक्ष्मी माता जी को और विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये हर पूर्णमासी आपको करना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी, बरकत आएगी, आपका चंद्रमा ठीक होगा, क्योंकि जो पूर्णमासी है ये चंद्र के कारक है। आप अगर खीर बनाकर भोग लगाएंगे, व्हाइट वस्तु आज के दिन दान करेंगे, तो इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके घर में बरकत आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, एक मेन उपाय जो आज के दिन ही आपको करना है वो है, आपको 200 ग्राम चावल लेने हैं और उसमें एक चांदी का सिक्का डालना है, कुछ दो या तीन हल्दी की गांठें डालनी है, साबुत हल्दी वो डालकर, और 2 चमचे हमें हल्दी पाउडर जो होता है वो डालना है। इसको पीले कपड़े में या व्हाइट कपड़े में आपको गुथली बना लेनी है, जैसे हम गुथी बनाते हैं वो बनाकर आपको अपने नॉर्थ में रखना है। नॉर्थ में रखें या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, जहां आपका मंदिर है, जहां आप भगवान की पूजा करते हैं। वैसे तो मंदिर ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, ये वास्तु टिप भी है, अच्छा भी माना जाता है जो मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होता है, वहां आपको इसको रखें, इसको रोज नित्य धूप दिखाएं, इसको वहां रखें, इससे आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। उसके बाद हमें शाम को क्या करना है, वो जो नित्य मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जी को घी का दिया तो जलाना ही जलाना है, वो ऐसे तो नित्य रोजाना आप अपना रूटीन बना लें कि आपको तुलसी जी को घी का दिया जलाना ही जलाना है, वो जलाकर अपनी पाठ पूजा कर शाम को आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। वो कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगी, आपको चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी और उसमें कुछ दाने चीनी के मीठा डालकर हमें चंद्रमा को अर्घ देना है, जिससे आपका मून अच्छा होगा, जिससे आपके कोई भी आपको डिप्रेशन चल रहा है, ये दिन डिप्रेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका डिप्रेशन चल रहा है, आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। इस दिन पूर्णमासी का दिन सबसे अच्छा दिन है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप उसमें बैठें और अर्घ दें, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे अर्घ दें चंद्रमा को, इससे आपका डिप्रेशन भी दूर होगा। और लक्ष्मी माता जी को इस दिन खीर का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है, आपको खीर का भोग जरूर लगाना है। मंदिर में जाकर लक्ष्मी माता जी को अच्छी सी खीर बनाकर पूर्णमासी के दिन वो लगानी चाहिए। अगर आप वैसे तो लक्ष्मी माता को लगाएं, अगर नहीं लगाएं
तो आप अगर गुरुद्वारा साहब में देना चाहते हो, कहीं भी देना चाहते हैं, तो आप खीर बनाकर इस दिन जरूर दान करें। उसके बाद आज के दिन आपको पीपल या नीम का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, कहीं भी लगाएं, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा में, किसी पार्क में लगाएं और उसे सींचे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट तो अच्छा होगा ही, पीपल हमारी ग्रीनरी बढ़ेगी तो हमें ऑक्सीजन बढ़ेगी, लेकिन इससे जो जो आपका वृक्ष बढ़ेगा वैसे ही आप उन्नति करेंगे, वैसे ही आपके घर में बरकत आएगी और महालक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए, पूर्णमासी के उपाय हैं। पूर्णमासी तो वैसे ही दान पुण्य का दिन है, आप ये करके देखें, आपको इफेक्ट्स पता लगेंगे। आप अगर किसी भी मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आप क्योंकि जो चंद्रमा है वो मेंटल का कारक है, वो मानसिकता का कारक है, आप करके देखें, आपको पता चलेगा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है डिप्रेशन वालों के लिए या मेंटली जो टॉर्चर हो रहे हैं उनके लिए। आप चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठे, आज के दिन जरूर बैठे। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, स्क्रीन पर भी मेरा नंबर होगा। अगर आप मेरे से कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड के बारे में पूछना चाहते हैं, आप कुंडली के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर हल करूंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप प्लीज ये छोटे छोटे उपाय करें, ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। आप